उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका का निरीक्षण किया। कहने को तो उन्होंने सड़क सफाई और पेयजल आदि के संबंध में पूरी जानकारी ली और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई। मगर मंत्री जी के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन्हें शायद वो सड़क नहीं दिखाई जो विकास भवन के बहुत ही करीब थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कचहरी से जेल की ओर जाने वाली सड़क की। कुछ महीने पहले बिजनौर में आए मंत्री सुरेश खन्ना ने इस सड़क का खुद निरीक्षण किया था और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। उन्होंने कहा था कि क्या इस तरह से मुख्यमंत्री का गड्ढा मुक्त सड़क देने का सपना पूरा हो पाएगा। उन्होंने इस सड़क को तुरंत बनाने के आदेश नगरपालिका बिजनौर को दिए थे, मगर नगरपालिका में लड़ाई झगड़ों से फुर्सत मिले तभी तो कोई काम हो। बिजनौर को सफाई में नंबर वन का मुख्यमंत्री अवार्ड मिलने की बात भी अब तो झूठी सी लगने लगी है। क्योंकि जिस शहर की मुख्य सड़क ही इतनी टूटी फूटी और गंदी हो कि जरा सी बारिश होने पर वहां गंदगी का ये आलम हो जाए कि आदमी वहां से निकलने में गुरेज करे, उस शहर को सफाई में नंबर वन का दर्जा मिलना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कहीं इसमें भी तो वही खेल नहीं खेला गया जो ODF में खेला गया था। इसकी जाँच बहुत जरूरी है। बहरहाल, मंत्री जी से नगर पालिका के कई सभासदों ने गोलमाल होने की शिकायत की। कुछ सभासदों ने कहा कि फॉगिंग के नाम पर नगरपालिका केवल शहर में धुआं ही करा रही है, इसमें दवाई नाम की कोई चीज़ नहीं डाली जा रही है। मंत्री कपिल देव ने CMO कार्यालय का भी निरीक्षण किया और वहां पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही ईंटों को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि जो ईंट जरा सा टकराने पर टूट रही है उसकी मजबूती का क्या पैमाना होगा, ये खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद मंत्री जी ने विकास भवन में अधिकारियों की मीटिंग ली। सर अभी 2,72,00,000 की ग्रांट आई है, उसकी कार्ययोजना बन रही है और स्थापना में सर 69,00,000 की अमृत निकाय नहीं है। डंपिंग ग्राउंड के लिए सर हम लोग 2015 बस कोई खास तो हम तो बढ़िया दिखाई ना दे रहे। हाँ, यहाँ हमारा जिला पंचायत का कार्यालय वो है, क्या कहते हैं, कैम कार्यालय, उसके पास ही चल कर देख लो। कई बार मैं अनुभव इतनी है, नालों की सफाई नहीं होती, पानी की निकासी भी नहीं होता। रुपए पीछे थोड़ा घेरी लगा देते हैं, वो तब तक नहीं उठती है और फिर जब तक वो उठने का नंबर आता तब तक फिर फैल जाती है। स्वच्छ भारत मिशन से सर आमंत्रित करा लिया, 7 मिनी टीपर और हाथ ठेले और ये सारी चीजें खरीदा गया। लगाओगे तो पता नहीं क्या और आगे क्या अच्छा मिल जाए। पहले वाले जब तुम 2M के पैसे दोगे तो तुम अपनी
मार दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बढ़िया लगाई जो पकड़ी गई वो बदल दोगे चलो भाई रुक जाओ, अच्छे से आ जाओ। ऊपर से ले जाना, मैं ऊपर की वाली अब इससे ज्यादा खड़ी जाएगी इसके सामने पुरानी बिल्डिंग थी, वो तोड़ के और ये नहीं बनने ये सब सेक्शन 2013 और 2013 और इसका जो टिकट लागत थी 182 पीछे कर दो जी सर। उसके बाद ये थोड़ा पीछे बाद में मार्च में 244 लाख जो कि इन्हें सितंबर में देनी थी, अभी नहीं दे पाए, अब दिसंबर में देना होगा। दिसंबर में नहीं देने पड़ते हैं, दिसंबर तक पेंटिंग के काम जिन लोगों से हमें पेंशन होगा पता नहीं क्या बिजनौर में जनपद का प्रभारी होने के नाते आज मेरा आगमन नगर पालिका परिषद बिजनौर में आना हुआ और नगर पालिका परिषद बिजनौर की सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, उन सब की समीक्षा हमारे द्वारा की है। सर्वप्रथम स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए जो प्रधानमंत्री जी का डीम प्रोजेक्ट है कि सफाई कर्मचारी नियमित और प्रतिदिन वो सफाई के लिए सुबह और शाम दोनों समय निकले, ऐसा निर्देश दिया गया। डंपिंग ग्राउंड की प्रॉब्लम इन लोगों ने बताई, उसकी बातचीत शासन में करेंगे। सड़कों पर कूड़ा ना पड़े और प्रतिदिन की मॉनिटरिंग हो, ऐसा निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिया गया। साथ साथ पानी के लिए, जब पिछली सरकारों में बिजली 10 घंटे 12 घंटे आती थी या उससे भी कम आती थी, तब भी पानी की सप्लाई होती थी। आज बिजली 24 घंटे आ रही है तो ट्यूबवेल ये लोग लगातार चला रहे हैं, यानी इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि पानी की सप्लाई की रिक्वायरमेंट कितनी है, जनता की रिक्वायरमेंट कितनी है और पानी का आउटलेट कितना है। तो ऐसा मिलाकर के ये तालमेल बनाने के लिए कहा गया है विशेष रूप से कि पानी का एक बूंद का भी दुरुपयोग ना हो, यानी जनता की पानी की आवश्यकता की पूर्ति पूरी हो लेकिन पानी का दुरुपयोग ना हो। तो ऐसे मिला के घंटे की मॉनिटरिंग करके कि कितने पानी की आवश्यकता है, उतना ही पानी जनता को बता करके कि सुबह इतने घंटे पानी चलेगा, शाम को इतने घंटे पानी चलेगा, रात को इतने घंटे पानी, तो पानी के लिए समस्या भी ना हो लेकिन पानी का दुरुपयोग ना हो और क्लोरीन का लगातार उसमें सप्लाई उसके अंदर क्लोरीन की हो, ऐसा निर्देश उनको दिया गया। खासतौर से पीडब्ल्यूडी यानी जो निर्माण के कार्य हैं उसमें गुणवत्ता में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके लिए कहा गया है कि जो टेंडर बिलो आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो। जब अगर आप 1 लाख रुपए का कोई काम है तो उसमें अगर टेंडर दाता 75,000 रुपये में काम कर रहा है, यानी इतना बिलो टेंडर आने की वजह से क्या है, इसका मतलब तो टेंडर का रेट ज़्यादा है यानी एस्टिमेट ज़्यादा है या क्वालिटी डाउन है। तो
क्वालिटी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसका बहुत सख्त निर्देश अधिशासी अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिया गया। समय समय उसकी चेकिंग होगी और 14वीं वित्त का, स्थापना का और जो नगर पालिका की अपनी आए हैं उन सब के पैसे का 100% सदुपयोग हो, किसी प्रकार की घपलेबाजी वहाँ के अंदर ना हो, ऐसा निर्देशों को दिया गया।